हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रूल्स ऑफ नाउंस, यानी जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो उसमें नाउंस के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या रूल्स चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रूल के बारे में पढ़ेंगे। वो रूल क्या है, देखिए, कुछ कुछ नाउंस देखने में सिंगुलर लगते हैं। ठीक है, कुछ नाउंस देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन जब उनके मीनिंग की बात होती है, यानी अर्थ की बात होती है, अर्थ में प्लूरल होते हैं। ठीक है, प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये हो गया रूल। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया। अब देखें यहाँ पर ये जो कैटल वर्ड आया है, कैटल, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि सिंगुलर है, लेकिन जो इसका मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, वो प्लूरल है, और इसके साथ हमने ये आर का यूज़ किया, और ये आर जो है ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही एक सेंटेंस है, द पुलिस आर, ठीक है, द पुलिस आर, तो देखिए यहाँ पर ये पुलिस जो है देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि सिंगुलर है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो प्लूरल में है, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। यानी आप ध्यान से देखिए, पुलिस जो वर्ड है वो देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो प्लूरल में है, और इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यानी आर का यूज़ किया। अगर आप इसके साथ पुलिस इज़ करेंगे, यानी इज़ का यूज़ करेंगे, तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अगला सेंटेंस है, द पीपल ऑफ, ठीक है, द पीपल ऑफ जापान, द पीपल ऑफ जापान। अब ये पीपल जो वर्ड है ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर में है, लेकिन असल में ये प्लूरल है। प्लूरल क्योंकि पीपल का मीनिंग होता है लोग, यानी जापान के लोग। अब यहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगी, तो ये प्लूरल वाली वर्ब यूज़ करेंगे इसमें, द पीपल ऑफ जापान आर वेरी रिच। ठीक है, यानी जो जापान के लोग हैं बहुत मालदार हैं, रिच का मतलब होता है मालदार। ठीक है, जिसके पास खूब सारा धन हो, धन दौलत वगैरह हो। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले रूल पर। रूल एक ये है, कुछ नाउंस के सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है, यानी कुछ नाउंस ऐसे होते हैं कि उनका जो सिंगुलर और प्लूरल का जो मामला है वो एक जैसा होता है, एक जैसा, ठीक है, समान रूप से होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, समान रूप में होते हैं। इसके भी एग्जांपल्स बताए जाएंगे ताकि
अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे जैसे एक वर्ड है डियर, ये सिंगुलर में भी ऐसे रहेगा और प्लूरल में भी ऐसे रहेगा। शीप, FISH, फिश, और आपका ये हंड्रेड, ठीक है, और डजन और थाउजेंड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में भी ऐसे रहते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही रहेंगे। और एक वर्ड है स्कोर, ठीक है, एटसेट्रा। अब इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल है ही कुड कैच ओनली फाइव फिश। अब देखिए यहाँ पर फाइव आया है, लेकिन फिश का ही हमने यूज़ किया है, फिश का हमने यूज़ किया है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों की फॉर्म में फिश ही रहेगा। अगर एक मछली की बात करेंगे तब भी फिश, और अगर ज़्यादा मछलियों के बारे में बात करेंगे तब भी फिश ही रहेगा। अगला सेंटेंस है ही बॉट टू डजन बनानास, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, मैंने टू का यूज किया इसमें, तो टू के साथ में हमने डजन का यूज किया, तो इसमें हम एस वगैरह नहीं लगाएंगे, डजन ऐसे ही लिखेंगे। ये सिंगुलर में भी ऐसे ही रहता है और प्लूरल में भी ऐसा ही रहता है, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लीजिए इसमें, जैसे आई नीड फोर थाउजेंड, ठीक है। अब देख, मैं यहाँ पर फोर लिखा हुआ है, तो हम इसमें थाउजेंड्स नहीं करेंगे, इसको थाउजेंड ही रहेगा। आई नीड 4000 डॉलर्स। इस तरीके से ये रूल नंबर टू हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, देखने में सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे ही होंगे, लेकिन बस उनका सेंटेंसेस में जब हम यूज़ करते हैं तो वहीं पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनका मीनिंग समझ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। इससे आगे भी कुछ रूल्स हैं, वो एक एक करके आपको समझाएंगे बताएंगे, ताकि हर चीज़ एकदम से समझ में आती चली जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।